हेलो, पिछली वीडियो में मैंने आपसे ड्राई जिंजर पाउडर के बारे में बात की थी, जिसे हम सौंठ भी बोलते हैं। इसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, तो आप अंत तक मेरी वीडियो को जरूर देखते रहें। ये कटु रस प्रदान और गुरु रुक्ष गुण वाली होती है। इसका विपाक जो होता है वो मधुर होता है और ये उष्णवीर होती है। ये बात और मेनली कफ शामक होती है। दीपन पाचन इसका एक्शन होने की वजह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत इम्प्रूव करती है और हमारी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है। अगर आप इसे छाछ या बटर मिल्क के साथ लेते हैं तो ये और भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी रहती है और हमको रिलीफ देती है। एक पिंच ड्राई जिंजर पाउडर अगर आप डेली खाना खाने से पहले लेते हैं तो ये हमारी डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करती है और इनडाइजेशन को इम्प्रूव करती है। ये एब्जॉर्बेंट इसका नेचर होता है और बाइंडिंग नेचर होता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन और IBS के पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा ये गैस, फ्लैचुलेंस, ब्लोटिंग में रिलीफ देती है। वोमिटिंग जिनको होती है उसमें भी रिलीफ देती है। इसमें जिंजरॉल और शैगोल नाम के कंपाउंड होते हैं जो एंटी एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करते हैं। तो उन पेशेंट्स को जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, उन पेशेंट की इन्फ्लेमेशन को कम करती है और जॉइंट पेन में रिलीफ देती है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होने के कारण ये बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन के ग्रोथ को कम करती है। बॉडी में जो इननेट इम्यूनिटी है उसको इम्प्रूव करती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे को बहुत अच्छा करती है, वासोडाइलेटर का काम करती है। इस जो अस्थमा के पेशेंट है उनके लिए काफ़ी रिलीफ देती है और जो कफ और कोल्ड है उसमें रिलीफ देती है। कार्डिक पेशेंट के लिए बहुत लाभकारी है क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL को कम करती है और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाती है। तो इसके अलावा ये स्किन और केल को हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है और स्किन में जो इलास्टिसिटी है उसको इंक्रीज करती है। एक्ने और रिंकल्स को कम करती है, हमारा स्किन टोन को एवन करती है और इम्प्रूव करती है। ब्लेमिशेस को कम करती है, एजिंग प्रोसेस को प्रिवेंट करती है और डिले करती है जो जल्दी आती है। इसके अलावा जिंजर पेस्ट अगर आप हेयर मास्क में लगाते हैं तो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिससे हेयर ग्रोथ हो सकती है। प्रीमैच्योर ग्रेइंग को ये प्रिवेंट करता है। स्कैल्प में लगाने से स्कैल्प में इन्फेक्शन और डैंड्रफ जो है उसमें काफ़ी आपको हेल्प कर सकती है। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, तो जो लोग वेट मैनेज करना चाहते हैं उनके लिए वे काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है और जो बैली फैट है उसको कम करने में काफ़ी हेल्प करती है आपकी। जिंजर पाउडर को आप अगर लेते हैं डेली तो ये आपके मेंस्ट्रुएशन में भी आपको रिलीफ दे सकती है। जो मेंस्ट्रुएशन में जो क्रैम्प्स होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि यूटराइन मसल्स को जो है वो डायलेट करती है, उनको रिलैक्स करती है और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस को कम करती है। तो ये आप उस टाइम पर अगर लेते हैं जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा हो तो उसमें भी आपको काफ़ी रिलीफ देगी। ये लिवर पर्टिकुलरली फैटी लिवर में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये लिवर को प्रोटेक्ट करती है, हेपेटोप्रोटेक्टिव इसकी प्रॉपर्टी होती है। पॉल्यूशन से होने वाले कफ को आप अगर आप लेते हैं सॉल्ट के साथ, सॉल्ट को किशमिश के साथ या शहद के साथ आप ले सकते हैं, आंवला के साथ ले सकते हैं, तो ये आपको एलर्जिक जो आपको इन्फेक्शन होता है और एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह टाइप का जो कफ और कोल्ड होता है उसमें भी ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर पुराने गुड़ के साथ आप इसे लेते हैं तो ये अस्थमा के पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आयुर्वेद में सॉल्ट को त्रिकटु का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग माना गया है और इसका बहुत सा जगह हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है वो पोस्टनेटल केयर में भी सॉल्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप पोस्टनेटल अगर आप सॉल्ट लेते हैं तो आपको इससे जो बैली फैट है वो कम होता है, यूट्राइन मसल्स रिलैक्स होती हैं और उसमें काफ़ी आपका वेट कम हो सकता है इसके साथ भी। और जो इसमें जो लैक्टेशन की फैमिली, लैक्टेशन वाली लेडीज हैं जो पोस्टनेटल केयर में रहती हैं उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। और एक सौभाग्य शुंठी पाक नाम का सॉल्ट का जिसमें मेन इंग्रेडिएंट होता है वो भी लैक्टेशन के टाइम पर पोस्टनेटल केयर में काफ़ी लेडीज को फायदा कर सकता है। अर्ली प्रेगनेंसी में जो मॉर्निंग सिकनेस और वॉमिटिंग होती है उसमें भी जिंजर और विटामिन सिक्स का बहुत इफेक्टिव होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपको लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।